सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। जिस प्रकार की घटना मेरा जीवन में शायद पहली बार मैंने विधानसभा में देखी, राज्यपाल के अभिभाषण पे विरोध भी होता है, राज्यपाल के अभिभाषण पे बहिर्गमन भी होता है, राज्यपाल के भाषण पर किसी को अपनी क्षेत्र की कोई विशेष समस्या हो तो उसको बोलता भी है, उठाता भी है, पर अपने सब वेल में आया वहाँ भी चलो चल सकता है, लेकिन डेस्क पे चढ़कर के जिस प्रकार से राज्यपाल के बारे में शब्दों का प्रयोग किया, ये मेरी जीवन में मैंने पहली बार सुना है। और इस कारण से हमने दुखी होकर के आसन को कहा था कि ऐसी आचरण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब उन्होंने जो आश्वस्त किया है, देखते हैं उसमें क्या होता है, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि चाहे मैं सदस्य हूँ चाहे कोई भी सदस्य हो, इस स्तर तक जाना लोकतंत्र का घोर अपमान है। चाहे जनता ने उसको कितने लाखों वोट दिए हों, लेकिन लाखों वोट देने का मतलब यह नहीं है कि लोकतंत्र को मटिया मेट करके आप अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करो, ये किसी भी दृष्टि से देश के लिए हितकर नहीं है। और इसलिए मैंने कहा था अगर इसी तरह से अगर मसल पावर के आधार पर कोई अपनी बात कहेगा तो हम भी इतने कमज़ोर नहीं हैं, और इस ढंग से अगर सदन चला और इस तरह से सदन की जो अवमानना हुई तो हम भी फिर उसी ढंग पे सदन को फेस करेंगे, और सदन न चले तो न चले, लेकिन सदन चलेगा तो नियमों से चलेगा, सदन चलेगा तो अनुशासन चलेगा, सदन चलेगा तो मर्यादा से चलेगा। राज्यपाल के बारे में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है, मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी में कभी इस प्रकार के शब्द सुने नहीं, कानों को भी एक तरह से इतने अप्रिय लगे हैं, और जब इसका प्रचार प्रसार होगा तो सारे देश जो है ना हम पर, हमारी इस विधानसभा पर क्या एक तरह से हमारा सम्मान रहेगा। इसलिए बहुत दुखी मन से कहा कि भाई इसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, आश्वस्त किया, देखते हैं अध्यक्ष जी ने। पूर्व मुख्यमंत्री के लिए भी ऐसा ही कुछ कहा उन्होंने? मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जी को, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो सब बातें उन्होंने कर्टेल कर दी। आज जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, हाईजेक नहीं किया है, वो घूम फिर करके यहीं आना पड़ेगा। इतने सालों तक वो इसको नज़रअंदाज करके, इसको जो है ना किनारे छोड़ करके अपनी राजनीति चला रहे थे, अब पता लगता है कि हिंदुस्तान की मेंटेलिटी क्या है, उस मेंटेलिटी को समझ करके उसके ऊपर अब उनका ध्यान केंद्रित हुआ है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर देश के लिए कोई अच्छे काम के लिए रास्ता निकाल। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने